नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट न्यूज़ इंडिया में। मूसलाधार बरसात की वजह से मुंबई की जीवन यापन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। लगातार बरसात होने की वजह से सड़कों पर गड्ढे और पानी जमाव की वजह से कई जगहों पर यातायात पूरी तरह से ठप नज़र आ रहा है। बता दें आपको, मुंबई में इतनी तेज़ बरसात अभी तक कभी नहीं हुई। बता दें, पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड जो है तोड़ दिया है कुलाबा में बरसात ने। यहाँ पर हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर कि तेज़ बरसात के बाद कितने लोगों का मकान गिरा। जी हाँ, जून में ही केवल 52 दीवारें गिरने की घटनाएं निकल कर सामने आई है। मुंबई में भारी बारिश की शुरुआत के साथ ही दीवार और पेड़ गिरने की घटनाएं बढ़ती जा रही। अकेले जून में 52 दीवार गिरने की घटना सामने आई है, जबकि 325 पेड़ गिर चुके हैं। बता दें कि इन घटनाओं में 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 47 अन्य घायल हो गए। अभी तो मानसून की शुरुआत है और उसकी शुरुआत में ही 325 पेड़ गिर गए। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में और कितनी ज़्यादा हानि हो सकती है। कच्चे मकानों को और जर्जर इमारतों को खाली करने का निर्देश बीएमसी ने बहुत पहले ही नोटिस जारी कर दिया है। लैंडस्लाइड को लेकर भी बीएमसी ने जहां जहां पर नोटिस जारी किया है उन तमाम जगहों पर एक सुरक्षा दीवार बनाई गई है। इसलिए सावधानी बरते, मानसून में जब तक जरूरत ना हो कहीं पर भी बाहर निकलने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब तक अलर्ट घोषित किया गया तब तक सुरक्षा में रहना ही सबसे ज़्यादा जो है सुरक्षित माना जाएगा। कुर्ला के कई इलाकों में पानी भरा है, जिसकी वजह से वहां पर यातायात ठप है। अंधेरी में सबवे के नीचे सबसे ज़्यादा पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर यातायात ठप है। और अभी भी लिंकिंग रोड पर कई इलाकों में जो है काफ़ी ज़्यादा पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक स्लो हो गई है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। स्मार्ट न्यूज़ इंडिया के साथ बने रहें मुंबई की पल पल खबरें देखने के लिए।